असलम खातिन वजरात क्या हाल है आप सबका ठीक ठाक हैं फिट फिटफाट हैं आपका भाई भी एकदम तो फिट फिटफाट है आज की जो वीडियो है वो मरी के ऊपर है उससे रिलेटेड है अब जो वाक्य हो गया है सो वो हो गया है लेकिन आने वाले दिनों के लिए हम लोगों को एहसास इस चीज़ का करना चाहिए जो लोग स्पेशली वेदर फॉरकाश को नहीं दे के चलते आप सफर कर रहे हैं चाहे वो कोई भी टाइम है विंटर है समर है ऑटम है स्प्रिंग वट आपकी जो भी डेस्टिनेशन है आप उसको पहले कुछ लोग तो यहां से निकलते हैं कि यार देखी जाएगी फर्स्ट हर एक मरीज ही जेन में आता है कि यार वहीं पर ही जाके स्टे करेंगे लेकिन नहीं अगर आप मरीज स्टे नहीं भी कर रहे कहीं पर भी स्टे कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जहां पर स्टे करना चाह रहे हैं जाना चाह रहे हैं जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में फुल आप इंफॉर्मेशन लें कि वहां पर क्या मौसम होता है क्या सिनेरियो होता है क्या सिचुएशन होती है वहां पर आया होटल्स है, हैं तो किस कैटेगरी के हैं किस कैटेगरी के हैं तो वहां पर आपको मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं आजकल इतनी ज़्यादा गूगल के ऊपर सहूलत हो चुकी हुई है कि आप गूगल पे जाके जा, जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पर जा कर आप अपनी वहाँ पर क्लिक कर रहे हैं आपको जो होटल समझ आ रहा है वो पिक्चर्स आपको दिख रही होती हैं नहीं तो आप फोन कॉल करके आप पूछ सकते हैं रेट्स क्या है फलाना ये सारी चीज़ें आप बैठे बैठे घर में कर सकते हैं और स्पेशली मैं दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दूंगा Okay, तीन चीजों को वो ये पहली चीज जो है वो ये कि आपके जो गेयर हैं यानी कि जो आपके कपड़े हैं वो आपके जरूरत के मुताबिक होने चाहिए ये नहीं है कि आप आ, फुल बैग भर के जा रहे हैं और सामान आप घसीटते जा रहे हैं देखिये आप डेस्टिनेशन जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपने अपने कंफर्ट जोन से आप निकल आते हैं आपके पास एक या दो शर्ट्स होनी चाहिए दो तीन शर्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए दो ट्राउजर से ज्यादा नहीं होने चाहिए और इजी होके रिलैक्स होके करना चाहिए सफर लेकिन आपकी जो डेस्टिनेशन है उसके मुताबिक आपके गेयर्स आपके पास होने चाहिए अगर आप ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो फुल आपको यानी कि कवर करके जाना चाहिए कि यार मेरे ये मफलर होना चाहिए मास्क होना चाहिए मुंह पे होना चाहिए बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके वो गेयर्स होने चाहिए कपड़े होने चाहिए इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सेकंड जो इम्पोर्टेंट मैं आपको कहूंगा कि वहां की वेदर कंडीशंस को देखते हुए जाएं कि यार वहां पर क्या वेदर है उस टाइम आप जब जाएंगे तो आया वहां पर बारिश हो रही है नहीं हो रही <coughs> स्नोफॉल हो रही है नहीं हो रही धूप निकली हुई है धूप में भी काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइक काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सन ब्लॉक भी रख सकते हैं तो किस किस्म का जो स्नैरियो उस जरूरत के मुताबिक आप चीजें लेकर जाए तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक प्रॉपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो ये एक छोटा सा मेरा एक था लोगों का मशूरा कि जहाँ पर सारे जा रहे हों अगर वहाँ पर पांच लोगों की जगह है तो वहाँ पर पंद्रह लोग घुस रहे होंगे तो वो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ आप कंफर्ट कंफर्ट जो चीज़ इन्जॉय करने जा रहे हैं वो नहीं कर जिनकी अमवात हो गई जो भी रीजन थे जो भी रीजन्स थे उनकी अमवात हो गई उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें और अल्लाह उनको जानन तो में जगा तापिर मैं तो बाकी सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे जो सब बहुत शुक्रिया फिर मिलते हैं अगली वीडियो में शुक्रिया